चलिए आज हमारे किचन में देसी टमाटर के देसी तरीके से देसी चटनी बनाएंगे, वो भी मीठी चटनी। चलिए तो आज हम टमाटर की चटनी बनाते हैं। हमने सारे टमाटर को धो के रख लिए हैं, अब इसको कटिंग करके हम टमाटर की चटनी बनाते हैं, वो भी देसी तरीके से जो गांव में बनती है ना वो वाली। तो चलिए हम पहले टमाटर को काट लेते हैं। चलिए तो हमारी चटनी के लिए टमाटर रेडी हो गई है। हमने टमाटर को इस तरीके से काट रखा, देखिए तो टमाटर को हमने इस तरीके से काट रखा। तो चलिए अब बनाते हैं हम देसी टमाटर के देसी तरीके से देसी चटनी। चलिए बनाएं। चलिए तो गैस को ऑन कर दिया जाए और फिर एक कढ़ाई बैठा दी जाए, उसके बाद अब टमाटर की चटनी बनाई जाए। तो कढ़ाई को पूरा हम गर्म करेंगे, उसके बाद ऑयल डालेंगे। चलिए तो हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, अब इसमें तेल डालते हैं। आप कोई भी ऑयल में बना सकते हैं देसी टमाटर की देसी तरीके से देसी चटनी। आप बना के खाइए, अलग तरीके से भी बनती है लेकिन देसी तरीके से आपको बता दें जो हमारे गांव में बनती है। चलिए तो हमारी तेल गर्म हो गई है, उसके लिए हमने लिए हैं पचफोड़न, उसके बाद लाल मिर्च, उसके बाद तेजपत्ता। इस सब चीज़ों को हम फोड़न में डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग, एक चुटकी हींग डालेंगे, क्योंकि सर्दी के दिनों में ना ज़्यादातर हम लोग यहाँ टमाटर की चटनी बनती है, वो सर्दी से बचने के लिए चाहे पेट खराब होने के लिए हम लोग हींग का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। चलिए तो हमारा फोड़न अच्छी तरह से कड़क गई है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। नमक स्वाद अनुसार नमक नहीं डालनी है, हल्की से नमक डालनी है, क्योंकि टमाटर को हमको गलानी है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है कि स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, नहीं, थोड़ा सा नमक कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। हल्का नमक डालना है, नमक से टमाटर गल जाते हैं, टमाटर प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, इस चलते हमने नमक डाले हैं। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से ढक दें कि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल जाए। चलिए तो देखिए यार, देखिए तो हमारे टमाटर ने पानी अच्छी तरह से छोड़ रखा है। वाह, इसको ऐसे दबा दबा के हम थोड़ा अपने से मैस कर देंगे ताकि हमारी चटनी चिकनी सी बनती है। एक अलग तरीके से भी बनती है, कभी वो भी बताएंगे। जो हम ये छिलके निकाल के टमाटर को अच्छी तरह से हम छिलका निकाल के भी बनती है ये, लेकिन एकदम प्योर देसी तरीके से चटनी है। चलिए तो फिर हम ढक देते हैं अच्छी तरह से इसको पकने के लिए। चलिए तो टमाटर हमारी आधा सॉफ्ट हो गई, अब इसमें डालेंगे हम गुड़, ये भी देसी गुड़, मतलब कि देसी बता रहे हैं कि ये देसी गुड़ है। चलिए तो इसमें अब डाल देते हैं हम लोग गुड़, ताकि ये मीठा हो जाए। अब अच्छी तरह से इसको गलने देंगे, गुड़ टमाटर सब चीज़ गल जाए, चटनी अच्छी तरह से होगी। अच्छी तरह से इसको ढक देंगे, अब ये धीरे धीरे पकेंगे और चटनी खूब सुंदर कलर में आएगी। चलिए तो टमाटर देखिए गुड़ अच्छी तरह से गल गई है। इस तरीके से हम टमाटर को दबा दबा के मैश करेंगे। अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। चलिए तो हमारी चटनी बनके रेडी हो गई, और उसको अच्छी तरह से इस तरीके से पूरे को सूखापन जैसे आ जाए उस तरीके से हम सुखा लेंगे। इस चटनी को आप रोटी पराठा किसी के साथ खा सकते हैं।
केक अब गैस को बंद करते हैं। चलिए तो हमारी चटनी तैयार हो गई। एक प्लेट में हम अच्छी तरह से इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। हमारी चटनी देखिए आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में।